दरगाह शरीफ के पीली फिर और जो है मैं इस वक्त जो है हजरत महद से बात करना चाहता हूँ। शान मोहम्मद जी से शान मोहम्मद जी ये बताइए जी सर, हजरत मोहम्मद मस्तान मियां साहब बाबा की आप करामत बताएंगे या कब कब यहाँ उर्स होता है और कहाँ कहाँ के जायरीन यहाँ पर आते हैं, किस किस परेशानियों को लेके आते हैं, क्या इसके विषय में आप थोड़ा सा हमें पढ़ते हैं जी सर। ये सन 1989 26 फरवरी को सरकार का विशाल हुआ था यानी पलवल। जब से यहाँ बहुत जायरीन हिंदू मुसलमान यानी हर धर्म का व्यक्ति आता है, सबकी मिन्नतें मुरादें पूरी होती हैं। आप अपनी कई दवाई देते थे, नीम का तेल, जायफल, नौशादन, उसको मिला के ये देते थे, कहीं दर्द या कुछ होता था जब हयात थे, जब की बात मैं बता रहा हूँ। मैं करीब यहाँ 30 साल से हूँ और बहुत फैज होता है लोगों को यहाँ का। यहाँ पे जो है जातवाद का कोई भेद कोई ये कोई यहाँ हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, सभी धर्म के लोग बहुत अच्छी तरह से मनाते हैं, बड़े प्यार मोहब्बत के साथ। और करामातें तो बहुत सी हैं, शायद कैस्टें भी चलती हैं करामात की। हाँ, और बहुत सच्चा दरबार है जी। और आप तो देख ही रहे हैं कि कितनी भीड़ भाड़ है और भूत प्रेत का भी साया यहाँ ठीक होता है जी। जैसे बदायूं शरीफ में ये है वैसे ये यहाँ की दरगाह भी है, ये रूहानी अदालत है, यहाँ बहुत फायदा होता है। तो मैं देख रहा हूँ कि मौसम जो है बहुत गड़बड़ है, मौसम गड़बड़ होने की वजह से भी लोग यहाँ जो है मौजूद हैं, बारिश भी हुई है लमसम है, तो ये मोहब्बत है, अकीदा है इनका जो है। इनका अकीदा बहुत है, ये बारिश में भी डटे रहेंगे, जितना भी आधी तूफान आए ये जाएगी सब यही डटे रहेंगे, क्योंकि ये सब मस्तान साहबिया के दीवाने हैं। आपको देख ही रहे हैं मौसम कैसा खराब है और फिर भी ये लोग कितने दीवाने घूम रहे हैं। आज यहाँ से कोई दवा वगैरह भी आप देते हैं क्या मरीजों को? नहीं, दवा यही तो नीम का तेल वगैरह चलता है और पानी ये चिराग का तेल यही चलता है। भाई साहब से थोड़ा बात करना चाहता हूँ, भाई साहब ये बताइए कि आप मस्तान मियां बाबा के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मस्तान शाह मियां जिनका यहाँ पर आप रोजा देख रहे हैं, एक बहुत ही सच्चा दरबार है, जिसमें उनके विसाल की तारीख पर यानी चांद की जो 19 रजब थी और आपका विसाल हुआ था 19 रजब 26 फरवरी सन 1989 और दिन इतवार था, जब से यानी हर साल यहाँ पर उर्स मुबारक होता है जिसको उर्स मस्तान के नाम से जानते हैं। यहाँ पर कौमी एकता के साथ यानी सभी मजहब को लेकर उर्स मुबारक मनाया जाता है और बहुत ही शांतिपूर्वक भाईचारे के साथ उर्स मुबारक होता है। आज ये 32वां सालाना उर्स मुबारक, हम सभी लोग मोहब्बत के साथ इस उर्स मुबारक में कई जगहों आते हैं लोग, उनको आप क्या संदेश देना चाहें? यही जो अन्य प्रदेशों से आते हैं तो वो यहाँ आते हैं और अपनी मनोकामनाएं मुरादें मांगते हैं, इनकी पूरी होती है, इसी अकीदे के साथ इसका दरगाह का नाम रोशन होता है, एक दूसरे से उनके फैज की बात चलती है, तो यहाँ पर अपनी जो है तमन्नाएं लेकर आते हैं, माशाल्लाह उनकी पूरी होती है। जो तरीके से मैं देख रहा हूँ यहाँ हर धर्म के लोग आए हैं जी, तो कोई भेदभाव नहीं दिख रहा है, बिल्कुल नहीं,
हम इस बात को लेकर आप जो है हिंदुस्तान की गवर्नमेंट है या हिंदुस्तान की जनता को आप क्या कहना चाहते हैं कि आपस में भाईचारा बनाए रखें? बिल्कुल भाईचारा बनाए। नरेंद्र तिवारी जी, आप जो है यहाँ मस्तान मियां बाबा के यहाँ जो आते हैं तो किस तरीके से, मतलब क्या आपको जो है अच्छा लगा यहाँ पे कि आप जो है फायदा हुआ है जी? और यहाँ से बहुत ठीक ही चले गए हैं, लेकिन लंबा हिसाब है इनका, बहुत कर्रा हिसाब है, तो धीरे धीरे मस्तान मियां काट रहे हैं। तो आप कहाँ से आ रहे हैं? हम सारा से आ रहे हैं जी जी। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं बेचारे, कितना किलोमीटर यहाँ से? बहुत इज्जत करती है मस्ताना बाबा, बहुत अच्छे गोला से है, नितंद रोड है जी। हर कम से कम 15 कोस ही है यहाँ से, यहाँ से 50 किलोमीटर गोला है। तो यहाँ आप कितने दिनों से हैं? 80 किलोमीटर है। अरे 2 साल हुई गई थी, सभी लगे बहुत जगह जगह ले गए, कहीं फायदा नहीं हुआ जी। यहाँ बहुत फायदा है, सबको बहुत भले लगा है। और देवता भी जो है वो भी बहुत अच्छे सरकार, अच्छा बेचारे। आपको यहाँ आने से मतलब जो है कोई भेदभाव तो नहीं लगा? कोई भेदभाव ना है, हिंदुस्तान की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं हजरत मस्तान मियां बाबा रहमतुल्लाह अलैह की मजार से? जनता को फायदा है उनका, भेदभाव जो आपस में बना हुआ है इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं कि जो है यहाँ आप आए हैं? जो जैसा करेगा वैसा भाई, भगवान अल्लाह खुदा बिस्मिल्लाह राम रहीम सब एक ही है। ये लड़ाई कराओ जो है जो हुई जाती है हमारी कुर्सी है। यहाँ भेदभाव कुछ नहीं है, यहाँ सब बनाए हैं अपने अपने कर्म से, भेदभाव कुछ नहीं है। बस 3 बिरादरी है संसार में, अंडर पिंजा पिंडा जी और पेड़ पौधा जी, बस 3 बिरादरी है, सबको एक ही हम मानते हैं, एक ही नजर देखते हैं, हर इंसान को एक ही नजर देखते हैं। बिरादर कोई है बिरादर से मतलब नहीं, कर्म से मतलब, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, इससे यहाँ जो है बहुत हिसाब अच्छा है, यहाँ कोई भेदभाव वाला कोई जी। आप साथ में ही हैं बाबा जी के? वो हमारे देवर हैं। आपके देवर हैं? हाँ। तो आप इनके साथ में ही आती हैं मतलब जो है? हम अपने बच्चन साथ, बच्चा लेके आई हुई हूँ, सब आती हैं। किस परेशानी को लेकर आते हैं? हमारा लड़का बीमार है जी, 4 साल से बीमार है, सब कहूँ दिखान 5 लाख रुपया लग गए और ठीक ना वो यहाँ आए हैं, जब से यहाँ से पैसा ना ही लगा दिए सरकार से, दुआ मांगी थी फिर ठीक भी को हाल लग रहा है, ठीक है, फायदा है, फायदा हो गया, बहुत फायदा है। यहाँ से जो इंसान मस्तान मियां के मेहमान की बहुत इज्जत करती है कि बाबा के मेहमान हो तो हमारे मेहमान हो, आज तक हमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं मांगे जी, हमें किसानी लगी तो उसका लाए हुए, ये बहुत अच्छे हैं जी। जिस तरीके से एक बाग में कई परिंदे होते हैं उसी तरीके से हिंदुस्तान में सभी लोग भारत के साथ एक दूसरे से झंडे चलता है, ये ऐलान होता है, खिलाते हैं सबको, सब एक से
में झगड़ा हो रहा है। भाई साहब जो है आप यहाँ कब से आ रहे हैं? लंबे टाइम से पंद्रह साल से आप आ रहे हैं, तो क्या आपको जो है फायदा मिला है इसलिए आ रहे हैं कि जो है मोहब्बत में आ रहे हैं? मोहब्बत भी है, फायदा भी है, दोनों के लिए रूहानी फायदा होता है और जिस्मानी फायदा भी होता है। आप कहाँ से आते हैं? लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर से काफ़ी लंबा है। जी जी जो है काम बनाया रखे बनाया कैसे अच्छे भाई साहब हमारे हकीम खान भाई हैं, थोड़ा सा मैं इनसे परिचय लेना चाहता हूँ। हजरत मोहम्मद मस्तान की जो है मजार में जो बनी हुई है, दूर दूर से जो जायरीन आते हैं तो इनके लिए आने की होता क्या? मोहम्मद मस्तान सामने रमतुल्ला अली की दरगाह और 1989 में जब से बहुत ही बड़ी तादाद में यहाँ आते हैं लोग और सबको शिफा मिलता है जी। बहुत परेशानी से भूख तरफ का शायद और जिसमानी रूहानी जो भी परेशानियाँ होती हैं सरकार को लगाने से और दवाई जो होती है उसको चराग का तेल उससे हर एक जायरीन को शिफा होता है और अपने लिए ये जो चिराग ये आप बता रहे दवा है पानी वगैरह तो इस पर चिराग वगैरह कुछ लेते हैं कि फिर आपका मोहम्मद में जो देता है अपनी मर्जी को जो भी आदमी डालना मेरा मोर्शे दली बना आ गया नहीं है क्या भैया?